राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बजट अभिभाषण पर वाद विवाद पर अंतिम दिन आज 3 बजे प्रतिपक्ष की ओर से होगा बजट बहस पर वक्तव्य। शाम 4 बजे बजट बहस पर मुख्यमंत्री गहलोत देंगे सदन में जवाब। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत कर सकते हैं कुछ नई घोषणाएं। जवाब के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होगी। तो ये आज किस तरह से सदन में कार्यवाही होगी हमने आपको जानकारी दी। शाम 4 बजे का वो वक्त तय किया गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रिप्लाई किया जाएगा। हालांकि प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे यानी कि अब से 1 घंटे बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट अभिभाषण पर वाद विवाद का आज अंतिम दिन है और जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही देखी जाती है कुछ उसी तरह से आज बजट बहस पर रिप्लाई देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, देखिए विधानसभा की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, क्या खास रहेगा वो आपसे समझना चाहेंगे कार्यवाही के दौरान पूरा। बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है उसका जो सेकेंड पार्ट है, जो कि ये कह सकते हैं कि बजट पेश किया गया था उस पर डिबेट थी, वो सेकेंड पार्ट है वो आज खत्म होगा। क्योंकि आज सदन के जो मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो जो 3-4 दिन तक जो डिबेट चली है उसका जवाब देंगे और एक तरह से कहा जा सकता है आज एक मिनी बजट भी पेश होगा। क्योंकि तमाम विधायकों ने जो मांगें उठाई है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, उनका मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे तो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होगी। जब पिछला बजट सत्र हुआ था तब हमने देखा था कि मुख्य बजट की तरह ही जब जवाब दिया था तो उसमें भी कई घोषणा थी। आज भी हम देखेंगे जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो कई महत्वपूर्ण घोषणाएं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए, विभिन्न विधायकों के लिए हो सकती है। लेकिन आज सदन किस तरह चलेगा, क्या कार्रवाई रहेगी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आज अहम दिन है, हालांकि प्रश्नकाल होगा, कई महत्वपूर्ण प्रश्न है, गृह विभाग के भी है, लेकिन सदन के नेता आज बोलेंगे तो ये माना जाए एक बार फिर एक मिनी बजट के रूप में उनका भाषण होगा। देखिए 10 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उसके ऊपर 13, 14 और 15 रात 16 को भी माननीय कई सदस्य उस पर बोलेंगे। और आज जब सदस्य पूरे बोल चुके होंगे तो करीब करीब सैकड़ों के आसपास के अंदर संख्या हो जाएगी बोलने वाले माननीय सदस्यों की। और उसके अंदर हमने देखा है कि प्रतिपक्ष ने चाहे यहाँ पर किसी प्रकार की बात बोली हो लेकिन सदन में उनसे एक भी इस प्रकार की बात कोई नहीं कही जा सकती जिसके ऊपर ये लगता हो कि भाई ये बजट जो है वो चुनावी बजट है या ये क्रियान्विति नहीं होगी। सबको ध्यान है क्रियान्विति होगी। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो 3 बजे जिनको भी बोलना है वो बोलेंगे और 4 बजे माननीय सदन के नेता प्रति उत्तर के अंदर राजस्थान की विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे। और मैं मानता हूं कि फिर आज राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा, मुख्यमंत्री जी पर फिर नजरें होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब भी मौका लगा है, जब भी चांस दिया है जनता ने उनको, जनता के लिए एक उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए हैं। और फिर आज जनता 4 बजे जब सीएम साहब बोलेंगे तो हो सकता है, मेरा खुद का आकलन है, मानना है, एक संभावित हो सकता है कि और फिर राजस्थान के लिए, प्रदेश के लिए कई और भी घोषणाएँ हो सकती है, बड़ी घोषणाएँ भी हो सकती है, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल, कई घोषणा हो सकती है लेकिन जो पिछले 3-4 दिन की डिबेट की बात कर रहे हैं, हमने भी सुना, आपने भी सुना, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, इस बात को लेकर जरूर जोर दिया गया कि भले ही घोषणाएं हुई हैं लेकिन समयबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन होना जरूरी है कि जनता तक उनका लाभ पहुँचे, ऐसा ना हो कि सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाए। इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जब भी उनका शासन रहा है ये उनकी एक परंपरा जरूर रही है कि घोषणाएं रही है, उनकी क्रियान्विति नहीं हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार जनता ने मौका दिया है और उनका बजट पेश करते ही, बजट नहीं, मैंने तो ये कहा है कि जब सरकार बन गई तो हमारा जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को दे दिया कि इसको सरकारी दस्तावेज बना के इसके ऊपर काम आज से प्रारंभ कर दें और वो कर भी रही है। और अभी तो बजट पास होगा उससे पहले ही अधिकारियों को दे दिया गया है कि उसके ऊपर क्रियान्विति होनी चाहिए। और चुनाव आचार संहिता तो बहुत दूर की बात है, बहुत जल्दी क्रियान्विति हो जाएगी इस बजट के ऊपर, इतिहास रचा जाएगा कि ना इतनी जल्दी इसके ऊपर क्रियान्विति हुई है। बिल्कुल, तो आज जो विभिन्न मुद्दे हैं, खासकर आपने भी ये उम्मीद जाहिर की है
कि एक मिनी बजट है वो मुख्यमंत्री आज ला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की जो घोषणाएं हैं वो संभावित है, पूरे प्रदेश के स्तर की हम बात करें तो किस तरह की सौगातें मुख्यमंत्री और दे सकते हैं? मुख्यमंत्री जी ने वैसे भी चाहे वो लोगों का चाहे मुझे मेल से भेज दो, पत्र से भेज दो, व्यक्तिगत रूप से मिल के दे दो, व्हाट्सअप कर दो, पत्र भिजवा दो, और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी कहा कि आपकी भी कोई भावना है तो वो बता दें। मैंने कल प्रतिपक्ष के सदस्यों को सुना है, उन्होंने शोभा रानी कुशवाहा ने बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये कर दिया, ये कर दिया, ये घोषणाएं कर दी। संजय शर्मा ने ये बार बार कहा है, सीएम साहब ने हमारे लिए ये घोषणाएं कर दी। कई पिछली बार अभिनेश महर्षि ने भी पिछले बजट के अंदर ये कहा था कि सीएम साहब ने हमारी ये घोषणा कर दी। अविनाश गहलोत जी ने पिछली बार कहा था हमारे लिए घोषणा कर दी। कई सदस्यों ने जो दोहराया है कि हमारे मांगने से सीएम साहब ने हमें भी कुछ बहुत कुछ दिया है और उनकी कोई और डिमांड है तो हो सकता है दबे मन से हो, पार्टी के दबाव में हो तो दबे मन से उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि हमारी ये बातें भी पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी गंभीरता से ध्यान रखते हैं, प्रतिपक्ष का भी ध्यान रखते हैं, पक्ष का भी ध्यान रखते हैं और उनकी माननीय सदस्यों की जो डिमांड है वहाँ पर हो सकता है सदन के नेता उनकी कुछ घोषणाएँ आज सदन के अंदर करें। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है सभी को कि आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब भाषण होगा, जब वह जवाब देंगे तो जवाब के दौरान कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि जो विभिन्न विधायकों ने इस पूरे डिबेट के दौरान कई मुद्दे उठाए थे और मुद्दे उठाए थे अपने क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जब बजट पे डिबेट होती है तो अमूमन तो पक्ष और विपक्ष है वो बजट के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि समय निर्धारित है 2 से 3 मिनट का वक्त मिलता है तो ऐसे में अधिकांश जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ही बात करते हैं। आज सदन में हरीश चौधरी भी बोलेंगे, करीब 2:30 बजे का वक्त है कि वो 15 से 20 मिनट बोलेंगे तो उन पर भी नज़र रहेगी कि वो क्या कहते हैं। हालांकि बजट की तारीफ तो करेंगे लेकिन चूंकि पिछले कुछ दिनों से उनके जो बयान हैं वो कुछ अलग तरह के रहे हैं तो ऐसे में आज जब वो सदन में बोलेंगे तो किन प्रमुख मुद्दों पर बात करते हैं, क्या पूरी तरह सरकार के पक्ष में बोलते हैं या फिर कोई ऐसी मुश्किल खड़ा करते हैं जो सरकार के लिए आगे परेशानी हो, तो इस तरह क्या आज सदन चलने की संभावना है। और आज जो है जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाबचंद कटारिया, उनका आज विधायक के रूप में आखिरी दिन होगा क्योंकि आज उनको विदाई दी जाएगी और आज ही जो स्पीकर सीपी जोशी है उनकी तरफ से गुलाबचंद कटारिया के सम्मान में तमाम जो विधायक है उनको विधानसभा में डिनर दिया जाएगा। तो आज औपचारिक रूप से जो गुलाबचंद कटारिया है विधायक पद से अपना इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वो असम जाएंगे, असम में राज्यपाल पद की जो है वो शपथ लेंगे और एक नई भूमिका के रूप में काम करेंगे। तो आज सदन का जो दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाबचंद कटारिया उनका आज विधायक के रूप में आखिरी दिन है तो उनका भी आज जो है वो भाषण होगा। अभी भाषण सदन के अंदर किया जाता है या फिर जब सीपी जोशी डिनर देते उस वक्त रहते हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि इस दौरान वो अपनी पूरी जो राजनीतिक अब तक की जो उनका काल रहा है, राजनीतिक जो भी उनका अब तक का रहा है पूरा कैरियर उसके बारे में बात रखेंगे और विधायक के रूप में किस तरह से उन्होंने काम किया और आगे की जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा नज़रें होगी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे होगी, जो करीब 3 बजे विधानसभा पहुँचेंगे, 4 बजे से उनका भाषण होगा और इस दौरान जो है वो तमाम उन विधायकों के प्रश्नों का जवाब भी देंगे जो प्रश्न विधायकों ने डिबेट में खड़े किए थे, कई आशंकाएँ व्यक्त की थी बजट को लेके, सवाल खड़े किए थे बजट की क्रियान्विति को लेके, उन्होंने प्रश्न पूछे थे, इन तमाम प्रश्नों का जवाब सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे। नरेश जी एक सवाल आपसे अहम, क्योंकि 1 घंटे बाद अब प्रश्नकाल की शुरुआत होने वाली है, क्या लगता है नरेश जी आज कौन कौन से प्रश्न खास रह सकते हैं और कौन कौन सवाल पूछ सकता है? क्योंकि जिस तरह से उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषित किया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी की रणनीति रही है कि बजट में घोषणाएं तो कर दी जाती है लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं होती, तो क्या लगता है किन मुद्दों पर आज भाजपा घेर सकती है कांग्रेस को, क्या रह सकता है अहम नरेश जी? देखिए ऐसा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है जिस पे कि भाजपा घेरे जो सत्ता पक्ष को, लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्नों की बात की है तो आज गृह विभाग के प्रश्न हैं, साथ में शिक्षा विभाग के हैं, परिवहन के हैं, जल संसाधन के हैं और UDH डिपार्टमेंट के हैं। तो जो होम और UDH है ये महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिनको लेकर प्रदेश स्तरीय प्रश्न मूलतः पूछे जाते हैं और चूँकि शांति धारीवाल है वो इनका जवाब देंगे तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण चीज़ें प्रश्नकाल के दौरान
सदन में सामने आ सकती है। तो विधायक है वो अपने प्रश्न पूछेंगे, और जहाँ तक शून्यकाल है उसमें देखना होगा स्पीकर किस तरह की व्यवस्था देते हैं, क्योंकि कल सिर्फ स्थगन प्रस्तावों पे ही बोलने की अनुमति मिली थी। 295 पे जो जितने भी उनके मामले थे उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया था, क्योंकि काफ़ी विधायकों को बोलना था। तो आज शून्यकाल में स्पीकर अभी कुछ किस तरह की व्यवस्था देते हैं ये जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब पता लगेगा। लेकिन उसके बाद आज जो है कुछ प्रमुख वक्ता आज विधानसभा में बोलेंगे, जो बजट की डिबेट है उस पर आज जो रोहित बोरा है वो भी बोलेंगे, आज सतीश पूनिया है बोलेंगे, हरीश चौधरी बोलेंगे, गुलाबचंद कटारिया का एक अलग तरह का संबोधन हो सकता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलेंगे। तो सबकी नज़र आज डिबेट पे जो नेताओं के भाषण होंगे उन पे रहेंगे। लेकिन चूंकि आज बेहद अहम दिन, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी।